Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम देखने वाले हैं session 2 किसका payroll interview questions का. बहुत ज़्यादा request किया हुआ session. पहला session I hope so आपने देख लिया होगा. नहीं देखा है तो please उसे ज़रूर देख लें. 10 questions हैं वहाँ पे. मैं pinned comment में ज़रूर डाल दूँगी और statutory compliances, payroll processing इनकी भी playlist है. Please इन्हें भी ज़रूर check करें क्योंकि खाली practical या खाली theoretical से आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा. दोनों चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं. मतलब प्रैक्टिकल भी पता होना ज़रूरी है पेरोल के बारे में और थ्योरेटिकल भी कि वहाँ पे आंसर कैसे करना है. तो आंसर कैसे करना है वो तो मैं यहाँ बता रही हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो सेशंस हैं वो आपको देखने ही पड़ेंगे कि नेट पे कैसे कैलकुलेट होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, TDS कैसे होता है, राइट. सो चलिए वो सेशंस आप देख लीजिएगा और अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चंस है. मेरी रिक्वेस्ट है पूरा सेशन ज़रूर देखें और इसके बाद एक थर्ड सेशन और आएगा, वो भी आप ही की रिक्वेस्ट पे आएगा. आपको बताना होगा क्योंकि मैं सोच रही हूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेशन ऐसे भी कर लूँ जिसमें एक एक सेशन PF से रिलेटेड, एक सेशन हो जाए ग्रेचुटी से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड की. मतलब अगर आप देने जा रहे हैं पेरोल के क्वेश्चन तो हो सकता है स्पेसिफिकली आपसे किसी एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँ. खाली PF के बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ग्रेचुटी के बारे में पूछे जा सकते हैं, बोनस के बारे में, ESI के बारे में, राइट. सो वो सेशंस मैं तभी बनाऊंगी जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे. सो सबसे पहले देख लेते हैं 11th क्वेश्चन. ये आएगा व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विथ पेरोल सॉफ्टवेयर. नाउ इसमें क्या है, जो भी पेरोल सॉफ्टवेयर से आप वेल वर्स्ड हों वही पेरोल सॉफ्टवेयर आपको बोलने हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने सैम्पल आंसर में दे दिया तो आप ये वही चिपका दें. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पेरोल सॉफ्टवेयर से वेल वर्स्ड नहीं हैं या आपको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ नॉलेज ले लें. ओके, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंडिया में यूज़ होते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज लेके चले जाएं. अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने वैसे काम किया हुआ है लेकिन सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया हुआ तो प्लीज़ नॉलेज ज़रूर लेके जाएं. ओके, यहाँ पे मैंने सैम्पल आंसर में डाला है सिर्फ सैम्पल आंसर की वजह से कि ये आप इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं. आपको अपने ही सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे रिप्लेस करने होंगे, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स आप जानते हैं. आई हैव एक्सपीरियंस यूजिंग अ वैरायटी ऑफ पेरोल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग रेज़रपे, फेटो HR, ग्रेट HR एटसेट्रा. इन माय प्रीवियस रोल आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुटिंग एम्प्लॉय डेटा इनटू द सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटिंग पेरोल टैक्सेस एंड डिडक्शंस एंड जनरेटिंग पेरोल रिपोर्ट्स. आई ऑल्सो हेल्प्ड ट्रबल शूट एनी इशूज विद द सॉफ्टवेयर एंड वर्कड क्लोजली विद आर IT टीम टू एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वॉज अप टू डेट एंड रनिंग स्मूथली. वाइल आई एम मोस्ट फेमिलियर विद रेज़रपे एंड फेक्टो HR, आई एम कम्फर्टेबल लर्निंग एंड यूजिंग अदर पेरोल सॉफ्टवेयर एज वेल. अगेन ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर मैं दे रही हूँ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा आंसर है ज़रूरी नहीं आपको रट के एज इट इज़ वहाँ पर जाना है. आपको क्या करना है, इसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकाल लेनी है जो कि ज़रूरी हैं और उसको डाल देना है. अगर आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप किसी सीनियर प्रोफाइल के लिए जाएंगे, आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी. इसीलिए मैंने ये इतना बड़ा ड्राफ्ट किया है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़्यादा चीज़ें बताएं इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन को लेकर. ओके, सो वहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा ठीक से. इसलिए ये सारी चीज़ें हैं. अगर आप फ्रेशर प्रोफाइल में हैं तो आप ये बता सकते हैं कि अभी आपने काम नहीं किया है लेकिन आपको ये नॉलेज है और आप ये कर सकते हैं. जहाँ पे मैंने लिखा है इन माय प्रीवियस रोल, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं आई कैन, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आपको ऐसी नॉलेज है कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है, ऐसे ऐसे जनरेट होती हैं पेरोल रिपोर्ट्स, राइट. सारे ही क्वेश्चंस में मैंने ऐसे मेंशन किया है कि जैसे रोल था ऑलरेडी. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपको इतनी नॉलेज है और थ्योरेटिकल नॉलेज है, या फिर अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि यू आर रेडी टू लर्न. लाइक आप लास्ट वाली देखिए लाइन, इसमें लिखा हुआ है आई एम कंफर्टेबल लर्निंग एंड यूजिंग अदर पेरोल सॉफ्टवेयर एज वेल. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12th. हाउ डू यू हैंडल एम्प्लॉई कंप्लेंट्स और क्वेश्चंस अबाउट देयर पे चेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पे चेक्स आप दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेरीज आएंगी. चाहे कितना ही अच्छा सिस्टम हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेरीज आएंगी, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं. इफ़ एन एम्प्लॉई कम्स टू मी विद अ कंप्लेंट और क्वेश्चन अबाउट देयर पे चेक, द फर्स्ट थिंग आई डू इज एक्टिवली लिसन टू देयर कंसर्न्स. अगेन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा एम्प्लॉई आएगा मेरे पास तो मैं एक्टिवली लिसन करूंगा उनकी क्वेरीज को, राइट. तो आप इसको अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट कर सकते हैं फ्रेशर्स एंड experience both ke cases mein. I understand their pay is a sensitive issue and it's important to show empathy towards their situation. Once I fully understand their concern or question, I explain the process for addressing the issue, including any relevant policies or procedures. If the issue is related to a mistake or error, I take immediate action to investigate and correct the problem. I keep the employee informed throughout the process and provide regular updates on the status of their concern.
If necessary, I escalate the issue to a supervisor or HR manager to ensure it's resolved in a timely manner. क्या करते हैं हम? Simple सी चीज़ है, listen करते हैं query, understand करते हैं and then address करते हैं जो issue है, उसको process करते हैं और उसके बाद relevant जो policies, procedures हैं उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्म रखना ज़रूरी है एम्प्लॉई को, ऐसा ना हो जैसे आपने उसकी क्वेरी सुन ली और उसके बाद आपने कहा ठीक है हम देख लेंगे एंड इसके बाद आपने उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या होगा? फिर अगेन से क्वेरी होंगी, फिर दो तीन चार बार वो आएगा, आप वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे, फिर क्या होगा? चौथी पाँचवीं बार एम्प्लॉय एग्रेसिव हो जाएगा, राइट। सो किसी भी क्वेरी को हैंडल करने का ये बेस्ट तरीका है कि प्रॉपरली लिसन करें, अंडरस्टैंड करें, उसे प्रोसेस में डालें और इन्फॉर्म रखें किसको? एम्प्लॉय को भी। इसी के साथ साथ यहीं पे हम एक और चीज़ कह सकते हैं, इन एडिशन आई टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट सिमिलर इश्यूज फ्रॉम अकरिंग इन दिस फ्यूचर। दिस में इंक्लूड रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग पेरोल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स, प्रोवाइडिंग एडिशनल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज और पेरोल स्टाफ और इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। क्या किया मैंने भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स आगे अकर ना हो तो मैं उन्हें रिव्यू करूँगा, अपडेट करूँगा, ट्रेन भी करूँगा एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, कि भाई आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। या फिर ये तो हो गया जैसे बड़ा, अब अगर आप छोटा सा रिप्लाई देना चाहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पहले पूछ चुके हैं और अब आपको एंड करना है, तो माई अप्रोच टू हैंडलिंग एम्प्लॉई कंप्लेंट्स और क्वेश्चंस अबाउट देयर पे चेक्स इज टू बी प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड एम्पैथेटिक। आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट पे एंड आई एम कमिटेड टू रिजॉल्विंग एनी इशूज एज क्विकली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल, ठीक है। आप यहाँ छोटा सा आंसर दे सकते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके डील करता हूँ और उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि टाइमली और एक्यूरेटली हमें करना चाहिए काम और मैं फिर रिजॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई रिजॉल्व कैसे करते हो आप, ठीक है, तो आप अपना ये वाला प्रोसेस बता सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी प्रॉब्लम को कैसे से हैंडल करते हैं, तो आप इंटरव्यू में अपने आप इस चीज़ को फ्रेम कर देंगे। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, मैं सिंपल आंसर्स देने में कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार हर प्रोफाइल के लिए कि भाई मैम सैम्पल आंसर ज़रूर दें, आप एचआर हैं तो बिल्कुल बताएं कैसे आंसर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक जस्ट ड्राफ्ट है कि इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी होती हैं इंटरव्यू में, राइट। इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं पूरी तरीके से, ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कि इस तरीके से आंसर करना होता है, राइट। ये कोई ऐसे चीट शीट नहीं है कि हाँ भाई यही आंसर्स होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट 13, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू एम्प्लॉई इन द पेरोल सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू एम्प्लॉई इन द पेरोल सिस्टम इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन, सेटिंग अप द एम्प्लॉई रिकॉर्ड एंड पेरोल डिडक्शंस, कन्फर्मिंग सेटअप एक्यूरेसी, रनिंग अ टेस्ट पेरोल एंड प्रोसेसिंग द एम्प्लॉईज फर्स्ट एक्चुअल पेरोल। ये क्या हुआ, ये एक शॉर्ट सा हो गया, ठीक है, मैंने एक समराइज सा करा और ये मैंने शॉर्ट सा बता दिया। अब क्या होता है अगर आप किसी एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, मतलब आपको 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस, तो हो सकता है कि भाई आप डिटेल में प्रोसेस बताइए, कैन यू टेल ऑल दिस इन डिटेल, तब क्या करेंगे? तो द प्रोसेस इंक्लूड्स कलेक्टिंग एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट स्टेप इज टू गैदर ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू एम्प्लॉई सच एज देयर फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सोशल सिक्योरिटी नंबर और एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू द एम्प्लॉयज ऑन बोर्डिंग पेपर वर्क और थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम, राइट। ये क्या हुआ, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो ऊपर छोटा सा हमने करा था उसमें कलेक्टिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन जो था उसको हमने यहाँ पे नीचे इलेबोरेट किया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भाई वही सेटिंग अप द एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब ये क्या है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड वी क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन द पेरोल सिस्टम। सिंपल, दिस रिकॉर्ड इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पे रेट, टैक्स विदहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनी अदर रेलिवेंट डेटा। उसके बाद क्या करेंगे, सेटिंग अप पेरोल डिडक्शंस। इफ द एम्प्लॉई हैज रिक्वेस्टेड पेरोल डिडक्शंस सच एज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस, दीज विल नीड टू बी सेटअप इन द पेरोल सिस्टम, दिस में रिक्वायर एडिशनल पेपर वर्क, ठीक है। कुछ डिडक्शंस हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ उन्होंने बताई हैं, कुछ डिडक्शंस हैं तो वो हम पेरोल में कर देंगे, इसके लिए हम कुछ सेपरेट पेपर वर्क भी करेंगे जो कि हम डॉक्यूमेंट्स उनसे लेते हैं। कन्फर्मिंग पेरोल सेटअप, once the employee record is created and all necessary deductions are set up, we all review the employee's payroll setup to ensure accuracy. This may include checking the employee's pay rate, tax withholding and deductions. Okay? Trial a test payroll. अब ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमने सोच लिया कि भाई सब कुछ सही चल रहा है और हमने डायरेक्ट इससे ही चिपका दी कि भाई पेरोल चेक्स पे चेक्स बन गए, नहीं, यहाँ पे एक टेस्ट पेरोल करनी ज़रूरी है। Before the employee's first actual payroll is processed, we ensure to run a test payroll to confirm that everything is set up correctly. This can help to identify any issues or errors that need to be corrected before the employee's actual payroll is processed. Okay? And then kya hai?
processing payroll. Once the employee data is set up in the payroll system and all necessary information has been confirmed, we will process the employee's payroll on the designated pay schedule. Simple, right? So, ये सारा प्रोसेस है. इस डिटेल में आपको बताना हो, आप किसी एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो डिटेल में बताना पड़ेगा. वो पूछ सकते हैं आपसे, कोई भी स्टेज डिटेल में पूछ सकते हैं, तो वो पता होनी चाहिए. अदरवाइज अगर आपको छोटा सा आंसर देना है तो पहले वाला आंसर आप दे सकते हैं, सफिशियंट है. चलिए चलते हैं 14th पे. हाउ डू यू इंश्योर पेरोल रिकॉर्ड्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर. As a payroll professional, I understand the importance of maintaining the confidentiality and security of payroll records. ठीक है, अब क्या है भाई, मैं क्योंकि एक पेरोल प्रोफेशनल हूँ या एचआर हूँ, मैं पेरोल का वर्क देखती हूँ, तो मुझे पता है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है पेरोल रिकॉर्ड्स की. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं. उसके बाद हेयर आर सम ऑफ द मेजर्स आई टेक टू इंश्योर दैट पेरोल रिकॉर्ड्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर. फर्स्टली, आई इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल हैव एक्सेस टू पेरोल रिकॉर्ड्स. राइट, यहाँ पे अगर आपको छोटा सा बताना है तो बस आप एक लाइन ये बोल सकते हैं फर्स्टली वाली. ठीक है, और उसके बाद सेकंड में भी फर्स्ट लाइन इनकी यूज कर सकते हैं. अदरवाइज मैंने ये डिटेल में बताया है अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं. दिस इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म सच एज पासवर्ड प्रोटेक्शन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. आई ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ हु हैज असेस्ड पेरोल रिकॉर्ड्स एंड व्हेन इन ऑर्डर टू मॉनिटर फॉर एनी पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस. क्या कर रहे हैं हम, ट्रैक रखते हैं पेरोल रिकॉर्ड्स का कि भाई कब कौन मॉनिटर कर रहे हैं. सेकेंडली, आई यूज इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट sensitive information to protect data in transit and at rest. This helps to prevent unauthorized access or interception of data. अब अगर आप fresher profile के लिए जा रहे हैं तो आपने ये सब कभी नहीं किया होगा, तो आप ये mention कर सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं payroll records को confidential कैसे रख सकते हैं. तो उसमें आप ये process बता सकते हैं कि भाई हम ये process use कर सकते हैं. ठीक है, next, यहीं पर. थर्डली, आई इंप्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम्स टू एंश्योर दैट पेरोल रिकॉर्ड्स आर बैक्ड अप एंड रिकवरेबल इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर और डेटा ब्रीच. आई ऑल्सो रेगुलरली टेस्ट एंड वेरीफाई दीज सिस्टम्स टू एंश्योर दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली. फोर्थली, आई मॉनिटर एंड ऑडिट पेरोल रिकॉर्ड्स टू डिटेक्ट एनी पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस. दिस इंक्लूड्स इंप्लीमेंटिंग मॉनिटरी टूल्स एंड कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी vulnerabilities in the system, right? So यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि भाई हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं जिससे कर सकते हैं और करते हैं जिससे हम इसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं. ये सब कुछ नहीं तो चलो और छोटा सा आप ये भी दे सकते हैं. आई कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट माई प्रोसेसेस टू इंश्योर दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट पेरोल रिकॉर्ड्स. राइट, माई अप्रोच टू इंश्योरिंग पेरोल रिकॉर्ड्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर इज टू बी क्या है, proactive, vigilant and committed to protecting sensitive information. Mera approach kya hai? My approach to ensure payroll records are kept confidential and secure is to be proactive, vigilant and committed to protecting sensitive information. Okay? So, ye aap yahan pe mention kar sakte hain. Next aa jata hai 15. How do you ensure compliance with tax laws and regulations? Bahut interesting. Kaise rakhte hain tax laws aur regulations se compliance, matlab kaise maintain karte hain? As a payroll specialist, I understand the critical importance of ensuring compliance with tax laws and regulations. I stay up to date with changes in tax laws and regulations by attending training sessions and reading tax laws. अगर training sessions नहीं करते हैं तो आप कह सकते हैं reading tax laws, ठीक है, और देखते रहते हैं क्या क्या changes हो रहे हैं, उसे mention कर सकते हैं. वही अगर आप fresher हैं तो आप यही बता सकते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, मतलब compliance हम कैसे maintain कर सकते हैं ये चीज़ें follow करके. To ensure compliance, I have implemented policies and procedures that include maintaining accurate payroll records, verifying employee information and ensuring that all tax related documents are in order. Simple. भाई सारे tax related documents होने चाहिए order में और सारे जो records हैं वो accurate होने चाहिए. I have extensive knowledge of payroll taxes including income tax, social security tax laws, etc. यहाँ पे आप mention कर सकते हैं जो भी आप tax laws mention करना चाहें. I calculate these taxes accurately and file the required tax returns and forms on time. Time पे करते हैं क्योंकि tax laws के compliance की बात हो रही है तो उसमें क्या है, time पे सारी चीज़ें submit करना, return करना, reporting करना. ठीक है, next, चलिए इसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी कह सकते हैं I have experience dealing with tax authorities, responding to inquiries and providing documentation as needed. मेरे पास क्या experience है, यहाँ experience नहीं है तो आप कह सकते हैं कि we can, हम ऐसा कर सकते हैं tax authorities के साथ.
I also communicate regularly with employees to ensure that they understand their tax obligations and provide them with the necessary information to complete tax forms accurately. यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम नहीं करते हैं, हम फ्रेशर हैं, तो we can communicate with employees to ensure, ठीक है. उसके बाद I am committed to ensuring compliance with tax laws and regulations and I am willing to go above and beyond to ensure that the company stays in compliance. Okay? इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं. आई नो आपको हो सकता है लग रहा हो कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, आप इसमें से की वर्ड्स उठाएं, की लैंग्वेज उठाएं, मतलब शॉर्ट में आप कुछ भी उठा सकते हैं. देखिए क्रक्स यही आना चाहिए, जितनी चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि भाई टैक्स लॉज, ऑब्लिगेशन, पेरोल रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, कंप्लायंसेस, ये कीवर्ड्स यहाँ से पिक कीजिए और आप इन्हें आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है. मेरा फोकस दोनों की तरफ है, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ की तरफ है, इसलिए मैंने ये चीज़ें इंक्लूड की हैं. हाउ डू यू हैंडल पेरोल फॉर आवरली एंड सैलरीड एम्प्लॉयज? यस, व्हेन हैंडलिंग पेरोल आई टेक स्टेप्स टू एंश्योर एक्यूरेट प्रोसेसिंग फॉर बोथ आवरली एंड सैलरीड एम्प्लॉयज, इंक्लूडिंग वेरीफाइंग एम्प्लॉय टाइम कार्ड्स, कैलकुलेटिंग ग्रॉस पे एंड डिडक्टिंग टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस. फॉर आवरली एम्प्लॉयज I ensure that they are paid accurately for their hours worked, including overtime pay and any other special requirements. I maintain accurate record of the hours worked by each hourly employee. This can be done through time cards, digital timekeeping software or any other tracking method used by the company. ये नहीं है कि खाली भाई time card से या digital timekeeping software से ही, जो भी method use कर रहा होगा company, उसको use करके हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, आवरली एम्प्लॉयज. अब बात ये बारी भाई सैलरीड एम्प्लॉयज को कैसे करेंगे. तो सैलरीड एम्प्लॉयज का प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, फिर भी फर्स्टली वी गेदर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एम्प्लॉयज सैलरी, टैक्स विद होल्डिंग, बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस, देन कैलकुलेट द नेट पे बाय सबट्रैक्टिंग द टैक्सेस, डिडक्शंस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी. ये आपको पेरोल प्रोसेसिंग में मिल जाएगा, ये हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट वी एंश्योर दैट द टैक्सेस आर एक्यूरेटली विथहेल्ड एंड पेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसीज. फाइनली process and distribute the paychecks or make direct deposits to the employees' designated bank accounts. It's essential to maintain accurate records and comply with all relevant laws and regulations related to payroll. We can use payroll software to streamline the process and avoid errors. I am committed to accuracy and attention to detail when handling payroll for both hourly and salaried employees, and I always strive to provide excellent service to both employees and management. Okay? Again, वही है. कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें. सैलरी एम्प्लॉयज़ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वही सारा मेथड है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर पेरोल सोर्स डॉक्यूमेंट्स. भाई पेरोल सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब जिससे हम पेरोल बनाते हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पेरोल बनाने में यूज होंगे, सोर्स, ठीक है. तो पेरोल सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन यूज टू कैलकुलेट एंड सपोर्ट पेरोल ट्रांजेक्शन्स. दीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स related to an employee's compensation and are critical for maintaining accurate payroll records. Few payroll source documents include, kya kya hai? Timesheets, records of the hours worked by an employee, including regular hours, overtime and any other time worked. Salary and wage information, documents that detail the employee's base pay, including any bonuses or commission. Then is employee tax forms, forms that indicate the employee's tax withholdings. Next is deduction authorizations, documents that show the employee's agreement to have specific deductions such as health insurance or retirement contributions taken from their paycheck. Okay, payroll register, हमने last में भी discuss किया था, a summary document that lists all employees' gross pay, taxes and deductions. We ensure to keep these documents organized and maintained in a secure location for future reference and in case of any audit or legal requirements. Having accurate payroll source documents ensures proper compensation, tax withholdings and compliance with applicable laws and regulations. Okay? सारी चीज़ proper जगह maintain करते हैं और compliances को follow करते हैं. Fine. 18th and this is last. What factors to be considered when choosing a payroll service software? भाई बहुत important है payroll service software, मतलब payroll का कोई भी software use करते हैं हम, choose करने वाले हैं अपनी organization के लिए. स्टार्टअप्स हैं या स्टार्टअप्स भी नहीं है, अब तक यूज़ नहीं हो रहा था, अब यूज़ करने वाले हैं, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी. ये खाली क्वेश्चंस मत समझिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब कुछ प्रैक्टिकली आपको काम आएंगे, ठीक है. ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है कि इंटरव्यू में जाके बताने हैं याद करके, नहीं, ये आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे जब आप काम करेंगे. तो चलिए क्या होगा, फीचर्स और फंक्शनैलिटी का पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा. वी लुक फॉर अ सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स द फीचर्स वी नीड.
वही सॉफ्टवेयर आप लें जो फीचर्स आप चाह रहे हैं. तो पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि हमें क्या क्या चाहिए पेरोल सॉफ्टवेयर में, ठीक है. सच एज फिक्स कैलकुलेशंस हमें चाहिए, डायरेक्ट डिपॉजिट चाहिए एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज चाहिए. मेक श्योर इट कैन हैंडल योर स्पेसिफिक पेरोल नीड्स सच एज डिफरेंट पे टाइप्स, ओवरटाइम कैलकुलेशंस एंड मल्टीपल लोकेशंस. ये जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं देखने में, ठीक है. जैसे मैंने कहा कि खाली टैक्स कैलकुलेशंस, डायरेक्ट डिपॉजिट, वो जो भी आपकी कंपनी को चाहिए होगा पेरोल सॉफ्टवेयर से, वो सारी चीज़ें नोट कर लें और वो ही सॉफ्टवेयर हमें चूज करना है जिसमें ये सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी हो, राइट. नेक्स्ट, यूजर फ्रेंडलीनेस. द सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू नेविगेट एंड यूज विद अ सिंपल इंटरफेस दैट अलाउज अस टू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली. इट शुड ऑल्सो ऑफर गुड कस्टमर सपोर्ट इन केस ऑफ एनी इश्यूज. यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. ऐसा ना हो कि भैया आज हमने खोला, इतना कंबर्सम है, उस इतने सारे लॉगिन्स हैं, लॉगिन्स भी हैं, चलो लॉगिन पासवर्ड डाल दिया, ऑब्वियसली चेक्स होने चाहिए, लेकिन उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसा है. यूजर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है. मतलब मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मॉड्यूल्स बने होते हैं, वो मॉड्यूल्स नहीं बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कोडिंग्स में लिखा है, तो ऐसे काम कैसे बनेगा. जब मैंने एक बार अपना पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया, तब मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे मिलनी चाहिए जो मैं बहुत आसानी से उसे ऑपरेट कर सकूँ सॉफ्टवेयर को, राइट. चलिए नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरोल इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव, सो वी लुक फॉर सॉफ्टवेयर दैट ऑफर्स रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स सच एज एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस विद द रेलेवेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड रेगुलेशंस. ओके, इंटीग्रेशंस. द सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम्स. मतलब अदर सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट होना चाहिए. लाइक हमें कहीं से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, तो कैसे करेंगे. जैसे हमारा कुछ डेटा एक्सेल में है या किसी और सॉफ्टवेयर में है, चार सॉफ्टवेयर में, तो उसको अगर हमें इंपोर्ट करना है इसमें कि वो सारा डेटा हमारा इंपोर्ट हो जाए इस पेरोल सॉफ्टवेयर में, जिससे काम आगे बढ़ जाए. मतलब सारी चीज़ पेरोल सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग से नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी है, तो वो इंपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि ऐसा होता है ना, एक्सेल में वर्ड आ जाता है, वर्ड में एक्सेल आ जाता है, तो कितना ईजी हो जाता है, ठीक है. द सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम्स वी यूज सच एज योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम्स और हमारे जो एचआर सॉफ्टवेयर हैं, टू स्ट्रीमलाइन आवर प्रोसेसेस. कॉस्ट. अब कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कर देंगे कि बहुत अच्छी खासी कॉस्ट थी है और हमने वो लाखों का परचेस कर लिया सॉफ्टवेयर. नहीं, कंसिडर द सॉफ्टवेयर कॉस्ट इंक्लूडिंग एनी सेटअप फीस क्या है, मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या है, ट्रांजेक्शन फीस क्या है. वी लुक फॉर अ सॉफ्टवेयर दैट फिट्स विद इन आर बजट एंड ऑफर्स गुड वैल्यू फॉर द प्राइस. ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबा चौड़ा तो बजट है और पता चला जी सॉफ्टवेयर तो बड़ा छोटा सा है, मतलब उसमें इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है, कुछ नहीं है, राइट. एंड कॉस्ट को देखते वक्त आपको मार्केट रिसर्च भी करनी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें हमें फंक्शन फंक्शनैलिटीज चाहिए वो सिर्फ हमें एक सॉफ्टवेयर में मिली, हमने कहा हाँ चलो अब तो हम कुछ भी पे कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, राइट. कंपेयर करना जरूरी है. उसके बाद सिक्स्थ इज रेप्यूटेशन. चेकिंग रिव्यूज एंड रेटिंग्स फ्रॉम अदर यूजर्स टू सी हाउ सेटिस्फाइड दे आर विद द सॉफ्टवेयर. वही रिव्यूज चेक करने जरूरी हैं, कैसा है सॉफ्टवेयर. वी चूज अ प्रोवाइडर विद अ गुड रेप्यूटेशन फॉर रिलायबिलिटी एंड कस्टमर सपोर्ट, राइट. अब अगेन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ये बताएगा कि हमने ऐसे ऐसे करके चूज किया, ये चीज़ें कंसिडर करी. आप फ्रेशर हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट देखनी, तो ये अगर चीज़ें हैं तो ही हम क्या करेंगे, तो ही हम उस सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे, राइट. सो चलिए, आई होप सो दिस वॉज हेल्पफुल. एंड प्लीज़ मेरे पास कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में. मैं वेट करती हूँ कि ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं. आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है फर्स्ट सेशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. प्लीज़ ज़रूर बताएं और क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं. सो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.